एचपी नेवल यूनिट एनसीसी बिलासपुर के 10 दिवसीय जल तरंग नौकायान मेन्यू शिविर के 8वें दिन की शुरुआत शारीरिक व्यायाम और योगा से की। सभी एनसीसी कैडेट्स ने राजकीय उच्च विद्यालय दोबड़ के नजदीक गोविंद सागर झील के तट पर 3 सेलिंग बोट, 2 रेस्क्यू बोट और 1 सेफ्टी बोट के साथ भांगड़ा बांध तक नौकायान किया। कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि सभी कैडेट्स को नौकायान करते 8 दिन हो गए हैं और इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने बहुत कुछ सीखा है और अभी कैडेट्स में वही जोश और सीखने का जज्बा बरकरार है। हालांकि आज मौसम तो साफ है, लेकिन तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच भी एनसीसी कैडेट्स ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी अपनी नाव को संभाला और नौकायान किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भांगड़ा डैम पहुंचने पर सभी कैडेट्स ने भाखड़ा बांध के इतिहास के बारे में भी जाना। उन्होंने कैडेट्स को बताया कि 58 साल पहले इसी महीने 22 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल डैम को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध होने के साथ ही एशिया का भी दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 207 मीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।